तकरीबन कोई 17 किलोमीटर रावला कोट का। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आए हैं लेकिन ना हम कहीं पे भी रुके नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी रुकना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। ये फैमिली एक रुकी हुई है, खा रहे हैं। अच्छा गाड़ी लगता है ख़राब हो गई है इनकी, रुकना इसलिए बेहतर नहीं लगा कि ना साइड पे जगह ऐसी नहीं बनाई हुई इन्होंने कि गाड़ी पार्क की जाए स्पेसिफिक, जो ना जो होती है पार्किंग वो नहीं मिली कहीं पे भी। बंदा साइड पे लगा के कोई पिक्चर्स वगैरह खींच सके, ऐसी जगह पे फिर रुकना नहीं चाहिए जो डेंजरस हो। वहाँ से लेके यहाँ तक हम चलते ही आए, अभी भी चलते जा रहे हैं, जाके देखते हैं कि स्टे कहाँ पे करना है, मशवरा करूँगा जाकर किसी से। गाड़ी के डैशबोर्ड पे फिर वीडियो जो वीडियो होगी वो बनती जाएगी। पुलिस वाला देख रहा था वीडियो बना रही है। सड़क उतरती थी, कोई लेफ्ट जा रही है कोई राइट जा रही है, वो अजीब अजीब से नाम थे उनका, पता नहीं कुछ भी याद नहीं है। कोहोटा बस याद है, कोहोटा आता है ये पता है। अगर बंदा लाहौर से आए तो तकरीबन वो रास्ते छोटे छोटे से तंग तंग से रास्ते हैं, एक बाजार आता है भाई की सिटी का, वहाँ से गुजरना पड़ता है। उसके बाद फिर बंदा कोहोटा पहुंचता है और एक पिंडी की तरफ से भी रोड निकलता है, वो सीधा कोहोटा पहुंचता है। और वहाँ से पहले क्या नाम था उसका, वहाँ से पहले एक सिटी आता है जैसे निकल गया ना मंदरा, वहाँ से जो है ना ये रास्ता कोहोटा की तरफ निकलता है। अगर आओ ना लाहौर वाली साइड से तो इधर से थोड़ा सफ़र कम पड़ता है ना, कि बंदा पहले जाए पिंडी के करीब वहाँ से कट ले। 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर निकला हुआ था यहाँ पे, टाइम कितना बताते हैं तकरीबन उतना लग जाता है। पहाड़ी इलाकों में से पहले दूसरे तीसरे गियर में रहती है, ज़्यादातर दूसरे या तीसरे में रहती है, इससे ऊपर जो है ना चलाना वो वैसे भी डेंजरस है। और मैं ड्राइविंग सेफ करता हूँ, बिल्कुल आराम से चलाता हूँ गाड़ी। अभी ये शहर आया है कोई